FCAT नोटिफिकेशन 1 दिसंबर को आउट हो गया है। जी हाँ, FCAT 1 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। उससे पहले जिसे FCAT के बारे में नहीं पता उसको मैं बता दूं, FCAT एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी लाता है ग्रेजुएट्स के लिए जो या तो अपने फाइनल ईयर में है या जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर। ये एग्जाम साल में दो बार होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। FCAT की करीब टोटल 300 प्लस वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज पिछले FCAT से ज्यादा है और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी, जो फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहता है उनकी एज जनवरी 2025 में 20-24 ईयर्स की होनी चाहिए। जिनके पास DGCA का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उनकी एज लिमिट 26 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करें नॉन फ्लाइंग ब्रांचेस की, जैसे कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी, तो मैं आपको बता दूं कि इन पोस्ट के लिए एज लिमिट 20-26 ईयर्स है। और क्लियर करके बताऊं तो आपकी एज 26 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कोर्स कमेंस होने के टाइम, यानी कि एकेडमी ज्वाइन करते टाइम। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएट्स चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, BCom, BCA, BBA, BSc etc, वो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल है, यानी कि FCAT रिटन एग्जाम हर कोई ग्रेजुएट दे सकता है। बस यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पूरी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% एग्रीगेट परसेंटेज है। बाकी टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए आपके प्लस टू लेवल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और दोनों में आपने 60 प्लस मार्क्स अटेन किए होने चाहिए। आगे बात करते हैं रिटन एग्जाम की। FCAT रिटन MCQ टाइप टेस्ट होता है विच इंक्लूड्स 4 सेक्शंस, इंग्लिश, GK, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। FCAT का कट ऑफ हमेशा से 150 के आसपास ही रहा है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपको 180 प्लस स्कोर करने के लिए FCAT द फर्स्ट स्टेप बुक लेनी चाहिए। इसका न्यू एडिशन Amazon एंड Flipkart में अवेलेबल है, साथ ही SSB OIR इज अ मस्ट टू ट्रेन यू फॉर रीजनिंग। इवेंचुअली ये आपकी SSB इंटरव्यू स्क्रीनिंग में भी काम आएगी। ये आपको मेजर e-commerce प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon और Flipkart में मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5000 प्लस MCQs को भी रेफर कर सकते हैं टू बूस्ट योर GK एंड टेक योर स्कोर टू 200 प्लस। दोस्तों, FCAT द फर्स्ट स्टेप इज द बेस्ट बुक फॉर FCAT नेशन वाइड और इसका न्यू एडिशन इंडिया में FCAT का एक बेंचमार्क सेट करता है। नो मैटर आप कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करें, दिस इज अ मस्ट हैव गाइड फॉर FCAT एस्पिरेंट्स। रीसेंट FCAT रिजल्ट पे काफी एस्पिरेंट्स ने हमें मैसेज किया था टू थैंक अस फॉर FCAT बुक। हाउ द शॉर्टकट मैथमेटिक ट्रिक्स, स्ट्रक्चर्ड नोट्स फॉर GK, एग्जाम्पलरी टेक्निक्स फॉर इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंसिव रीजनिंग हेल्प देम क्रैक देयर एग्जाम इजली विद इन 1 month ऑफ प्रिपरेशन इवन वेन दे आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सेक्शन। लास्टली, जिन लोगों ने NCC स्पेशल एंट्री और मीटरोलॉजी एंट्री से अप्लाई किया है उन्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली NCC स्पेशल एंट्री और मीटरोलॉजी एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए। हाउ टू अप्लाई? रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 1st December 2023 एंड क्लोज ऑन 30th December 2023। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू careerindianairforce.cdac.in और fcat.cdac.in। जब फॉर्म्स ओपन हो तब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्जाम फेब्रवरी में होगा। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, यानी कि एयरफोर्स के डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर उनके कंप्यूटर्स में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं होता, इसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन में आंसर मार्क करने पड़ते हैं। हालांकि आपको पेन एंड रफ शीट प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रेनिंग एंड सैलरी। ट्रेनिंग विल कमेंस फॉर ऑल कोर्सेज एट एयरफोर्स अकेडमी दुंदीगल हैदराबाद। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस इज 62 weeks एंड दैट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस इज 52 weeks एट द एयरफोर्स अकेडमी। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पायलट कैडेट्स को 56,100 पर मंथ अलाउंस भी मिलेगा। सैलरी की बात करें तो 2023 में फ्लाइंग ऑफिसर की एवरेज सैलरी करीब करीब 1,10,000 रुपीज है। तो एस्पिरेंट्स अप्लाइंग फॉर दिस एंट्री, आई विश यू गुड लक एंड होप कि आप एग्जाम क्लियर करो एंड डॉन द यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स।